अभी से इतनी लाजवंती है? लड्डू चुराकर खा रहा है? अगर बता दिया ना तो इतनी मार पड़ेगी कि लड्डू देखकर डर लगने लगेगा। अम्मा तल दो। अच्छा ठीक है, सुन, अम्मा के लिए ना 3 लड्डू चुराकर लाई हूँ, उन्हें दे देना और खबरदार जो खुद खाया तो। ठीक है, चल चल। दामिनी जी, लड्डू का स्वाद थोड़ा भिन्न है ना? हाँ हाँ, थोड़ा कड़वा है। कैसे लगे आपको लड्डू? हमने खुद अपनी निगरानी में बनवाए हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। खाइए खाइए। शारदा, तुम्हारे केश कितने अच्छे हैं, जैसे धूप में घनी परछाई। छोड़ो ना। तुम्हारी आंखें हैं जैसे इनमें पूरा समुद्र समाया हो। छोड़ो ना। और तुम्हारे होठ हैं क्या गुलाब की पंखुड़ियां, और ये तुम्हारी मूछें जैसे किसी क्षत्रिय का बाण। मूछ नहीं तो कुछ नहीं। सत्य कहा शारदा। मूछें, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ शारदा, मुझे लगता है कि तुम्हारे मुख पर मूछें उगाई हैं। की सास को भी मूछें आ गई है। क्या? इधर आओ, देखो। अरे गाना क्या गाना है? इधर आओ, इधर आओ। देख देख, मेरा बचपन दे, मैं इतनी लाज में दबा दिया। ए बंदू। अरे रामा, क्या क्या होता है तेरे साथ? इस घर में जो मर्द है उसे छोड़कर सबको मुझे। ये चमत्कार कैसे हो गया बंदू? ये माँ, इस स्थिति में मैं इस घर का पुरुष हूँ या ये सब? इन मूछों ने तो मेरा सब कुछ लूट लिया। ऐसे हाथ पर हाथ धरे क्या बैठा है? मेहंदी लगी है क्या तेरे हाथों में? तो और क्या करूं अम्मा, जिनके हाथों पर मेहंदी लगनी चाहिए थी उनके चेहरों पर तो मूछें उगाई हैं।
अब तो केवल यही बचा है कि तुम्हारी मूंछों पर ताव दूं। सोचता हूँ एक हाथ से मूंछों पर ताव दूं और दूसरे हाथ से तेल पिलाऊं। हे भगवान, कुछ कर। जिसे नरम होकर बैठना चाहिए था वो गरम होकर बैठी है, और जिसे गरम होकर बैठना चाहिए वो नरम होकर बैठा है। अरे परंतु तुम लोगों ने ये मूंछें उगाई कैसे? कहने का तात्पर्य है कि ये मूंछें उगी कैसे? मुझे लगता है तो ही माया है। हाँ गुंडप्पे, ये मूछ माया है। अरे कोई मुझे कुछ बताएगा ये मूछे उगी कैसे? ऐसा क्या किया तुम लोगों ने? हमें क्या पता, हम तो केवल महल गए और हमने उठा लिया। क्या उठा लिया? मूछे उठा ली? नहीं, हल्दी कुमकुम। अर्थात उस हल्दी कुमकुम में ही अवश्य कोई खराबी रही होगी, कोई कोई जादुई रसायन रहा होगा उसमें। परंतु तो हल्दी कुमकुम तो केवल हमने अपने सर और माथे पर लगाया था, नाक के नीचे नहीं, जहां मूछे उगाई है। फिर क्या? वहां पर तो गुंडप्पा भी आ गया था लड्डू खाने के लिए। क्या? परंतु अम्मा को कैसे मूछे उगाए? अम्मा तो वहां आई नहीं थी, हम तो केवल उनके लिए लड्डू लेकर आए थे जो हमने भी खाए। ओ, इसका अर्थ है कि लड्डू में कुछ था। अम्मा तुमने तो लड्डू नहीं खाई थी ना? खाए? तीन में से दो लड्डू खाए, एक बचा है। अच्छा, अर्थात तुम तीनों ने लड्डू खाए, मैंने लड्डू नहीं खाया। आपको लड्डू खाने की क्या आवश्यकता है? आपको तो मूछे वैसे ही है, प्रतिदिन सुबह अपने मुख के बगीचे को साफ करने में लग जाते हैं। नहीं शारदा, तुम तीनों ने लड्डू खाए इसलिए तुम्हारी मूछे आई। अम्मा को देखो, अम्मा ने तो अधिक लड्डू खाए ना, यदि कम लड्डू खाती तो कम मूछे आती। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मुख पर मूछे नहीं, मूछों पर मुख उगाया है। देखो देखो देखो, अब तो मूछों वाले पुरुष की तरह भी व्यवहार करने लगी है। परंतु लड्डू केवल हम ही नहीं, वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों ने खाए थे। क्या? इसका अर्थ है कि उन सभी महिलाओं को भी मूछे आ गई होंगी। हे भगवान, आएगा अब तो समस्त विजयनगर में भूचाल आएगा, भूचाल। स्वामी, स्वामी उठ जाइए। स्वामी, पूजा का समय हो रहा है। शिव 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 घर में डाकू। कहाँ डाकू? डाकू घर में नहीं स्वामी, आपके स्वप्न में आया होगा, और वो भी आपका आशीर्वाद देने के लिए। आप नेत्र तो खोलिए, वो आपसे डर के भाग जाएगा। कौन हो तुम जो वरुण माला के पास धारण कर यहाँ पर आए हो? तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या है? यदि उचित उत्तर नहीं दिया तो हम अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें बस कर देंगे। स्वामी कैसी बातें कर रहे हैं? हम ही हैं आपकी वरुण माला। क्या हो गया गुरुजी? क्या हो गया? कहाँ डाकू? कहाँ डाकू? क्या हो गया गुरु माता? क्या हो गया? चमत्कार हो गया, अद्भुत आविष्कार हो गया। क्या आप तुम्हें क्या कह रहे हैं? क्या चमत्कार, कैसा आविष्कार? दिखाते, ये देखिए, ये देखिए, आपके चेहरे पर, आपके चेहरे पर मूछों का बगीचा हो गया। इसी डाकू को भी डराते हैं, ऐसी मूछें होता। वैसे भी हम कहाँ देखते हैं? हमारा कहने का तात्पर्य है, एक उपाय है, प्रायश्चित करो। कैसा प्रायश्चित? 14 वर्ष के लिए वनवास चली जाओ और वहां रहकर प्रायश्चित करो। परंतु ध्यान रहे, इन 14 वर्षों में एक बार भी आपका मुख किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि किसी ने आपका मुख देख लिया तो 14 वर्ष का वनवास पुनः। कानला मणि। हाँ ये ले धनी। देखा किस चतुराई से उस बुड्ढे ने हमारी गुरु माता को रास्ते से साफ कर दिया। इस बुड्ढे के मन में मंत्र नहीं, कपट है, कपट चालू बुढ़ो। नहीं नहीं स्वामी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। तो क्या मूछ ने इस वरुण माला से हमें मुक्ति दिला दी है? बाबा इस मूछ ने तो हमारा कल्याण कर दिया। हम अभी जाकर हम दोनों का आवश्यक सामान मांग लेते हैं वनवास के प्रस्थान हेतु। अच्छा क्या दोनों का?
हमारा किस लिए? क्यों नहीं स्वामी, जैसे भगवान राम के साथ उनकी धर्म पत्नी सीता मैया उनके साथ वनवास पर गई थी, उसी तरह आप भी तो हमारे साथ जाएंगे ना? आप भी तो हमारे लिए हमारे भगवान राम है। नहीं, अब वनवास रहने दो, गृहवास कर लो। अब जो प्रायश्चित वनवास में रहकर करना है वो गृहवास में कर लेना, परंतु ध्यान रहे आप गृह से बाहर नहीं निकलेंगी जब तक ये मूछ नहीं चली जाती। भगवान नहीं जाने ये कब जाएंगी। और जब तक ये मूछ नहीं जाती तब तक आप हमारे समक्ष नहीं आएंगे, समझ गई आप? अब हमारा भक्तों से मिलने का समय हो रहा है, हम स्नान कर पूजा ग्रह में जाएंगे, हम नहीं देख सकते। जी क्या? ये, हाँ, वो देखो। स्वामी, महाराज, महाराज आप हमारी उम्मत नहीं रहो। परंतु क्यों महाराज? महाराज, कृपया कर मत घूमिएगा। महारानी चिन्ना देवी, आप विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय को पीठ दिखाने का आग्रह कर रही हैं, ये हमें शोभा देता है क्या? नहीं महाराज, महाराज आप सर्वप्रथम हमें पहले ये बताइए कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रेम? एक कुछ पांच से। क्या पांच से? ये कैसा प्रेम है महाराज? ये कैसा प्रश्न है महारानी चिन्ना देवी, हम आपसे कोई नाप तोल के प्रेम थोड़ी करते हैं, हमारा आपके लिए प्रेम असीम है। हमारे प्रेम के सम्मुख भूमि से गगन तक की दूरी भी कम पड़ जाती है, पाताल की गहराई भी कम पड़ जाती है, महाकाय पर्वत का भार भी। हाँ हाँ महाराज, समझ गए हम कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। महाराज यदि हमारी एक आंख खराब हो जाए और एक हाथ कट जाए तब भी आप हमसे इतना ही प्रेम करेंगे? अवश्य, इससे भी अधिक प्रेम करेंगे महारानी चिन्ना देवी, क्योंकि भारी सौंदर्य तो केवल दिखावा होता है, प्रेम तो आंतरिक होता है। महाराज यदि हमारी मूछें आ जाए तब भी आप इतना ही प्रेम करेंगे? महारानी चिन्ना देवी, आपने अपना मुंह क्यों ढका हुआ? अद्भुत लग रही है आप महारानी चिन्ना देवी, रंगमंच के किसी कार्यक्रम में भाग ले रही हैं आप, ये मूछे क्यों चिपकाई है आपने? नहीं महाराज, हमने चिपकाई नहीं, खुद उगाई। उग गई अर्थात? महाराज हमने सुना है महारानी चिन्ना देवी की मूछे उगाई है, क्या ये सत्य है? महाराज अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि हमने काढ़ा आपके केशों के लिए बनाया था और मुझे महारानी चिन्ना देवी की निकल आई। काढ़ा? महाराज आपने उस काढ़े का सेवन किया था ना? नहीं, पर हाँ नहीं, अर्थात कैसा प्रश्न है? हमने काढ़ा तो वो महाराज आपको हमारी सौगंध, आप सत्य बताइए आपने उस काढ़े का क्या किया? प्रयास किया था उसे पीने का, और प्रयास किया परंतु वो काढ़ा हम पी नहीं पाए, इसलिए हमने वो काढ़ा फेंक दिया। क्या? फेंक दिया? महाराज हम आपसे पूछ रहे हैं आपने काढ़ा कहाँ फेंका? खिड़की से बाहर। खिड़की से बाहर? कब? कब? संभवतः जब आपका हल्दी कुमकुम का आयोजन आरंभ होने वाला था तब। महाराज उस समय तो खिड़की के नीचे से लड्डू भी ले जाए गए थे, संभवतः वो काढ़ा लड्डूओं में तो विसर्जित नहीं हो गया। तेरे द्वार खड़ा है जोगी,
जो है तेरा प्रेम रोगी। सौदामिनी हाँ। देखो ना पूरा एक पैर हो गया, तरस गए हम आपका मुख देखने के लिए। आज इस चांद पर ये घूंघट की बदली क्यों? हमें लज्जा आ रही है। हाय लज्जा, लज्जा तो स्त्रियों का गहना होती है, पर हमसे क्यों? आपके सामने तो हम हैं आपके तत्थु। चलिए शीघ्र घूंघटा उठाइए और मुखड़ा दिखाइए, देखिए अन्यथा सारा दिन व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमने ये पल्लू उठाया तो ये रात्रि भी व्यर्थ हो जाएगी। क्यों उपवास कर रही है सौदामिनी है? चलिए शीघ्र कीजिए, अब हम एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। चलिए ना, ऐसे से मत कीजिए, देखिए ये घूंघटा उठेगा, चांद हमें दिखेगा और उस चांद पर चार चांद हम लगाएंगे। ये तथाचार्य का वचन है। कैसे कैसे? ऐसे, ये देखो सौदामिनी, इस हार में ही हमारी जीत है। से हमारी ओर से मुख दिखाई, समझो। ये उपहार हमें दे दीजिए और हमारी ओर पीठ कर लीजिए। अच्छा हाँ, हम पीठ कर लेंगे तो मुखड़ा कैसे देख पाएंगे? आपके सम्मुख दर्पण है। हाँ है, उसमें देख लो। सौदामिनी नर्तकी आप हैं और नृत्य हमसे करवा रही हैं। कैसे? हमारा तात्पर्य है, क्या क्या अद्भुत शैली है आपकी रूप दर्शन करवाने की। हाँ। उत्तम, अति उत्तम। चाहिए? हाँ, आ गई आईने के समक्ष। तत्थु, हाँ? पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। कर ली। तत्थु, हाँ? अब अपनी आंखें खोलिए। खोलते हैं। हाँ। हाय, आपकी झील सी गहरी। ये आईना टूट तो नहीं गया? ये मुझे आपकी आई है, सांसें हमारी अटक रही। अब हम आपको चांदी से सुंदर नहीं दिख रहे हैं ना? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि वो कहते हैं ना कि चांद में दाग होता है, परंतु आपके चेहरे पर तो मूंछों का बाग है। अचानक हमें ये मूंछें निकल आई है, हम क्या करें? हम कैसे जिएंगे? हम आत्मदाह कर लेते हैं। कर लीजिए। हो गया, काला पूर्ण था लड्डू में मिले। हो गया। हाँ महाराज, हमें ज्ञात है, हमने उस लड्डू के थाल में भूरे रंग के चिन्ह और चींटी देखे थे, और इसी कारणवश हमने अपना क्रोध भी प्रकट किया था उन दासियों पे कि आपने अपना कार्य कुशलता पूर्वक नहीं किया। परंतु हमें कहा गया था महाराज कि वो घड़ा उन लड्डू के थाल पर भी सज्जित हुआ है। महारानी चिन्ना देवी, आप इतनी आश्वस्त कैसे हो सकती है कि लड्डू के सेवन से ही आपकी मूछें उगाई? बताते हैं, देखिए यह है आपकी प्रिय महारानी तिरुमलम्बा। देखिए क्या इन्हें मूछें आई है? नहीं आई, कैसी आएंगी? इन्होंने तो लड्डू का सेवन किया नहीं है ना? लड्डू का सेवन तो हमने किया है महाराज, इसलिए हमारी मूछें आ गई। हाँ, हम समझ गए, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये आप दोनों की सहमति से हुआ है। हाँ, महारानी तिरुमलम्बा ने वो घड़ा बनाया और महाराज आपने आपने वो घड़ा हमें अनोखी युक्ति पूर्ण तरीके से खिलाया। आप दोनों के कारणवश हमारी ये मूछें आ गई।
ये आप दोनों का हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। महारानी चिन्ना देवी है आप। समझ गए हम। महाराज आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमें ये ज्ञात हो चुका है। महाराज आज से अभी से हम अपना अनशन आरंभ करते हैं। महारानी चिन्ना देवी। महाराज हमने वो काढ़ा इतने परिश्रम से आपके लिए बनाया था, परंतु आपने उस काढ़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। महाराज अब हम भी अनशन करेंगे। छोटी महारानी जी अनशन तो करती।